नमस्कार मित्रों, आज आप सभी के सम्मुख उस शख्सियत का जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने ताउम्र जनसेवा के लिए बहुत बड़े बड़े योगदान दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने जनक, अपने पिता श्रीयुत श्री हुकमचंद जी की। श्री शेरचंद जी की 6 संतानों में, जिनमें 4 बेटियाँ व 2 पुत्र थे, श्री हुकमचंद जी पुत्र के रूप में द्वितीय स्थान पर थे। शेरचंद जी खेतीबाड़ी व सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते रहते थे। उस वक्त वे ग्राम पंचायत लंगोर पौसड़ा के प्रधान हुआ करते थे। श्री हुकमचंद जी पढ़ने में बालपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे, जिस कारण उनकी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव ही प्राथमिक विद्यालय पुराने हिंडोला खाल से हुई। उसके बाद हायर सेकेंडरी शिक्षा के लिए वे घर से 18 किलोमीटर दूर अंजनी सेन चले। 12वीं की परीक्षा प्रताप इंटर कॉलेज पुरानी टिहरी से उत्तीर्ण की। घर की पारिवारिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, इसलिए बीएससी करना मुश्किल था, लेकिन पढ़ने और आगे बढ़ने के जुनून के बीच तो रास्ते स्वयं ही बन जाते हैं। उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने का निश्चय किया और डीबीएस महाविद्यालय देहरादून में सन 1961 में दाखिला लिया और आगरा चले गए, और सन 1970 में एमए प्रवेश में आगरा विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। बाद उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से सन 1978 में एलएलबी की डिग्री। वे शिक्षा में रहते हुए एनसीसी और एनएसएस जैसे सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे। जब वे एमए अंग्रेजी करने आगरा गए, फीस न देने के कारण उन पर 10 रुपये विद्यालय प्रशासन ने फाइन लगा दिया, जिसे वे पेड नहीं कर पाए, और उन्हें नोटिस मिला जिसमें कहा गया था कि वे त्वरित फाइन के साथ अपनी फीस जमा करें, अन्यथा उन्हें स्कूल डिसमिस कर देगा। ये वक्त है जनाब जो पहिए की तरह घूम रहा है और हमें हर मोड़ पर लाचार करता रहता है और अपनी कदर सिखाता जाता है। सबसे बड़ा शिक्षक समय है। आज 10 रुपये की कोई तवज्जो आम जीवन में नहीं है, लेकिन उस वक्त स्कूल से नाम पृथक करने जैसी हिम्मत 10 रुपये रखता था। उन्होंने सन 1955 में कुमाऊं विश्वविद्यालय से आयोजित अमीन की परीक्षा उत्तीर्ण की और अमीन रहते हुए सर्वे इंस्पेक्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तब वे प्रथम अधिकारी के रूप में उत्तरकाशी जनपद में कार्यरत रहे। इस नौकरी को भी ज़्यादा समय तक नहीं किया और रिजाइन दे दिया। फिर उन्होंने 1955 में सहकारी समिति धारकोट मंडल में बतौर सेल्समैन के पद पर कार्य किया और उसे भी 1-8 साल करके छोड़ दिया। फिर 1966 में सहायक अध्यापक के पद पर हायर सेकेंडरी स्कूल आराकोट उत्तरकाशी में साइंस टीचर बने, जिस दौरान उनकी ड्यूटी 1967 के आम चुनावों में लगी, जिस हेतु उन्हें सक्षम अधिकारी के रूप में पसब के बावजूद उन्होंने यह नौकरी भी छोड़ दी और सन 1978 में विकास खंड देवप्रयाग के प्रमुख चुने गए, जिस दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक कार्यों को अंजाम दिया। वे स्कूल जीवन से ही अटल जी से प्रभावित थे और उन्होंने जनसंघ की विचारधारा से स्वयं को जोड़ रखा था, जिसके चलते उन्हें देवप्रयाग विधानसभा से जनसंघ का प्रत्याशी घोषित किया गया। उनका चुनाव निशान दिया और बाती था, चुनाव पक्ष में नहीं रहा, मगर वे पार्टी की विचारधारा से डगमग नहीं हुए, अविरल चलते रहे और टिहरी जिले के 3रे जिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया और पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। हालांकि के जन आंदोलन में कुंज बिहारी नेगी व स्वामी मनमथन तथा स्वामी रामतीर्थ जी के साथ कंधा से कंधा मिलाते हुए चलते गए। इसी आंदोलन ने उनकी महान परीक्षा ली और उनके 5 वर्षीय पुत्र सूर्य प्रकाश की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, जबकि वे उस दौरान पौड़ी जेल में थे। रैबार यानी कि मैसेज मिलने पर उन्होंने आंदोलन से क्विट नहीं किया और कहा कि एक पुत्र की आहुति देकर अगर हजारों हजार पुत्रों का भला हो रहा हो तो एक पुत्र की आहुति ही सही, और इस कसमाकस के बीच उनके पुत्र का देहांत हो गया, लेकिन वे आंदोलन में डटे रहे। आज उन्हें यूनिवर्सिटी ने वक्त वक्त पर कई प्रमाण पत्रों से नवाजा है और उनकी कुर्बानी को याद किया है।
इस प्रकार का लेख एक गढ़वाल विश्वविद्यालय की पत्रिका स्मारिका में सन 1988 में भी छपा है, जिसे मैंने शेयर किया है। इस बीच उन्होंने हिंडोला खाल में जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की, भगवान में की और कीर्तिनगर के कई स्थानों में की, जो आज सब सरकारी विद्यालय हैं और हजारों हजार बच्चे इन विद्यालयों का लाभ ले रहे हैं। जीवन की इस भागदौड़ में श्री हुकमचंद जी व श्रीमती कुमारी देवी जी के 5 बच्चे हुए, जिनमें से 3 बेटियां व 2 पुत्र हुए, जो सब अपने अपने स्थानों पर स्वस्थ और संपन्न हैं। फिर अचानक सन 2008 में फरवरी माह की एक काली रात को उन्हें लकवे का दौरा पड़ गया और वे जीवन से लाचार हो गए। कई अस्पतालों में उनका इलाज करवाया गया पर वे रिकवर नहीं हो पाए और जीवन की इस जद्दोजहद में 10 वर्ष का समय गुजर गया और 22 मार्च सन 2018 को अपने ही पैतृक आवास ग्राम लंगोर पट्टी हिंडोला खाल में वे बैकुंठ पधार गए और हम नाथ के चलते जाने अनाथ हो गए। आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि है। उन्हें याद और स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ, आप जिस किसी भी लोक में हों, हम पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर हम आपकी पूंजी हैं। आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों, यह मेरा बहुत छोटा सा प्रयास था उन पर और उनके जीवन पर घंटों की फिल्में बन सकती हैं, लेकिन वक्त के इस फेर में इतना ही पर्याप्त है। सभी देखने वालों को मेरा हृदय से आभार, प्रणाम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।
चला।